ये है दोस्तों हमारा क्रॉम्पटन का रैपिड जेट इंस्टेंट वाटर गीजर 3 लीटर का है। इसमें हमने अभी नई सारी फिटिंग करी है, एंगल वाल हमने लगा दिया है और एक लगाया मैं इनलेट में। ये देखिए ये यहाँ पे पानी इसका भर गया है गीज़र में, तो हमें इनलेट की ही ज़रूरत थी एंगल वाल की, आउटलेट की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी लीकेज नहीं है। तो अब ये यहाँ से हम इसको कर देते हैं बंद। पुराना गीज़र जो आप देख रहे हो वो वहाँ पर रखा हुआ है ये, और ये लगाया हमने इसका प्लग। प्लग करने के बाद ऑन करते हैं ये। दोस्तों दो लाइटें जल गई, ये आप देख सकते हो रेड और ग्रीन वाली। ठीक है, अब जब ये कंप्लीट गर्म होगा ना दोस्तों तो उसमें तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसको हम फटाफट से ना ऑटो कट करेंगे 5 मिनट के टाइम के बाद। इसमें से पानी भी हल्का हल्का आना लग जाएगा गर्म। इंस्टेंट गीज़र है और ये पुराना गीज़र आप देख सकते हो ये रखा हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पर हमने चालू किया, ये देखिए इसमें हल्का हल्का सा गर्म पानी आने लग गया है। और देर तक करेंगे तो ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो कंप्लीट कर